संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सेशन में नोटबंदी के असर, बेरोजगारी और पीएसयू के विनिवेश को लेकर चर्चा हो सकती है। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर भी चर्चा होने के आसार हैं। वहीं सरकार बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, नाबार्ड अमेंडमेंट बिल, कंपनीज अमेंडमेंट बिल, लेबर कोड में से संबंधित दो बिल समेत कई अहम बिल पेश कर सकती है। वहीं ये सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। एकजुट विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। पूरे सेशन के दौरान जीएसटी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। खैर, अब वहां तो जो इतने तरह के इशू है वो आज मोटा मोटी आ गए हैं। किसान का सवाल है और जितने सवाल हैं वो सब उठेंगे। बेकारी और बेरोजगारी का सवाल है, ये सब सवाल उठेंगे। जो लोगों इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो प्रॉफिट में कंपनी, उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ब्रिजेंट रूफ कंपनी है, ऐसी कई चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जिन पे हम बोलेंगे, जिन पे उठाएंगे। और ये जो एक तरह से मास लेवल पर लिंचिंग हो रहा, ये मामला भी उठेगा। कश्मीर का सवाल बहुत बिगड़ा हुआ है, चीन के साथ तनाव है, तो विदेश जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी हम चाहेंगे कि बहस हो। तो मॉनसून सेशन कल से शुरू हो रहा है और क्या कुछ खास रह सकता है इसमें, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। आलोक, इस बार के मॉनसून सेशन में सबसे खास तो राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या खास रहने वाला है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो कल वोटिंग होगी, उसके बाद 20 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन इस दौरान सरकार ने जीएसटी लागू करने के बाद एक तरह से कहें तो बहुत सारे जो आर्थिक सुधार की एक तरह से जो सिलसिला है उसको कायम रखने के लिए करीब आधा दर्जन से ज्यादा बिल पास कराने का मूड बना रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल है वो ये है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जिसको एनपीए के रेजोल्यूशन के लिए जल्दबाजी में सरकार लेकर आई थी, उस अध्यादेश को चूंकि पहला सेशन है, उसके बाद तो इस सेशन में उसको पास कराना जरूरी है, तो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो है उसको यहाँ पर लाया जाएगा। इसके अलावा जो बैंकरप्सी कोड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो एक और अहम बिल है जो एनपीए रेजोल्यूशन के लिए ही सरकार ला रही है, ये भी एक अहम बिल है। इसके अलावा जो कंपनीज अमेंडमेंट बिल है, लेबर मिनिस्ट्री से जुड़े दो जो कोड ऑफ वेजेस बिल है, जो चार बिल को, कई सारे बिल को मिलाकर दो बनाया जा रहा है, वो बिल है। नाबार्ड अमेंडमेंट बिल है, कई सारे ऐसे बिल्स हैं जिसको सरकार पास करा के सेशन में एक तरह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाना चाहती है जीएसटी के बाद। लेकिन विपक्ष भी अपनी तरफ से काफी हमलावर है और कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। जैसे देखेंगे तो जीएसटी का जो रोल आउट हुआ था उसको विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ये बहुत ही जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है, और ये जीएसटी लागू होने के बाद जो थोड़े बहुत हिकअप्स हुए हैं उसको लेकर मुद्दा बनाएगा। इसके अलावा जो नोटबंदी के बाद अभी तक सरकार ये नहीं बता पाया, आरबीआई ये नहीं बता पाई कि कितने नोट अभी तक जमा हुए बैंक में, इन सब को लेकर भी मुद्दा उठाएगा। दूसरे पॉलिटिकल भी कई सारे मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी यही रहेगी कि इस सत्र को, मानसून सत्र को, हालांकि बजट सेशन जो पिछला बीता है उससे काफी कम बिल होंगे इसमें, लेकिन कोशिश सरकार की यही रहेगी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा है सरकार उसको आगे बढ़ाए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष कितना सहयोग करता है। जैसे कि आपने भी कहा कि विपक्ष हमलावर है और पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए। बहुत सारे अहम बिल हैं जैसा कि आपने बताया आलोक, और वो कैसे पास होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।